आज सुबह ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के समीप पानी की टंकी पर एम्स से निष्कासित दो महिला कर्मचारी चढ़ गई। ये अपना विरोध जता रही थी। आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग पर रखे कर्मचारियों को एम्स प्रशासन के द्वारा निष्कासित किया गया था, जिनकी बहाली को लेकर पिछले दो माह से एम्स गेट के बाहर ये कर्मचारी अपना धरना दे रहे थे, जिस विरोध प्रदर्शन ने अब अपना उग्र रूप धारण कर लिया। विरोध के स्वरूप की दो महिलाएं आज ऋषिकेश के रेलवे रोड के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई। एक महिला कर्मचारी कहना था कि उसके पति धरने पर बैठे तो पत्नी को नौकरी से निकाल दिया गया। कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर एम्स शुरू से ही विवादों से घिरा रहा है। यहां तक कि नियुक्तियों को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी जनप्रतिनिधियों ने की है। ऋषिकेश के मेयर अनिता शर्मा भी खुलकर इन निष्कासित कर्मचारियों की बहाली के समर्थन में इनके साथ खड़ी हुई है। शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हम प्रशासन द्वारा हमारी कोई बातें नहीं सुनी गई, इसलिए हमने हमारी बहनों ने आक्रोश में आकर के ये कदम उठाया है और वो टंकी पर ऊपर चढ़ गई हैं। और उनकी मांगे यही है कि वो जल्दी से जल्दी हम सब लोगों की बहाली हो जाए, और वो तभी टंकी से नीचे उतरेंगी जब तक उनकी बहाली का हमें लेटर हमारे हाथ में नहीं मिल जाता। यहीं पर ही हाँ जी, वो दोनों भी कर्मचारी हैं। उसमें एक ऐसी महिला है जिनके हस्बैंड को उनको धरने में देख करके प्रशासन द्वारा उनको निकाल दिया गया, ये बोल करके कि तुम्हारी वाइफ वहाँ पर धरने पर बैठी है।